हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 20.2 कंप्लीट करेंगे। डाटा हैंडलिंग में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द हाइट ऑफ 10 बॉयज वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर लिस्टेड बिलो। कुछ सेंटीमीटर में हमें हाइट्स दे रखी हैं। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द बॉयज, हमसे रेंज मीन और साथ में मोर देन रेंज, जो मीन हाइट से ज़्यादा हाइट वाले बच्चे हैं उनकी गिनती बतानी है। सबसे पहले हम इस डाटा को एरे डाटा बना देंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद रेंज का जो फॉर्मूला होता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इसमें 152 है, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन 127 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 25 हमारी रेंज आ जाएगी। बी क्वेश्चन में हमसे मीन हाइट पूछी गई है। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले सम करेंगे, सारी डेटों को ऐड कीजिएगा, 1414 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये टोटल नंबर 10 है। 10 की एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लग जाती है, मीन हाइट आ जाएगी 141.4। नाउ सी वाले क्वेश्चन में हमें 141 से आगे वाली डेट है देखनी है, कौन इससे बड़ी डिजिट है। तो ऐसी डिजिट हमारे पास 144 है, 145, 148, 150 एंड 152। तो टोटल डेट 5 है, तो हम सी का आंसर लिखेंगे, 5 स्टूडेंट्स हैव हाइट मोर देन 141.4 सेंटीमीटर, यानी कि 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो इस एक्सरसाइज का है, उसमें हमसे पूछा गया है फाइंड द मीन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 35। 35 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स का मीन बताइए। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये वो नंबर होते हैं जो केवल अपने टेबल में आते हैं और इनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर तो 1 सभी का फैक्टर होता है, लेकिन एक फैक्टर ये खुद नंबर होता है और कोई नंबर के टेबल में ये डिविजिबल नहीं होते हैं। तो जो प्राइम नंबर रहेंगे लेस देन 35 वो रहेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 and 31। दीज आर द प्राइम नंबर्स। नाउ मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले इनका सम किया जाएगा, सम करने के लिए हमें क्या करना है, प्लस। तो सभी डेटों को प्लस कीजिएगा, 160 आएगा। मीन का फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में 160 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि ये सारे नंबर 11 है तो अपॉन में हमें 11 लिखेंगे। 11 का 160 में हमें डिवाइड लगाना होगा, क्योंकि 11 से 160 नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर आएगा 14.54। मैंने यहाँ पर डिवाइड शो नहीं किया है, आप 11 का लिख कर 160 में डिवाइड लगाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, 11 वन जाए 11, 5 बचेंगे 50 हो जाएगा, 11 फोर जाए 44, फिर 6 बचेंगे, पॉइंट लगाइएगा, 0 बढ़ा लीजिएगा, देन आपका क्या आ जाएगा, पीछे 54 डिवाइड आप साइड में शो कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे मीन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर जो डाटा दे रखा है वो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। जब भी डाटा टेबुलर फॉर्म में दिया होता है तो मीन का फॉर्मूला लगता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। पहले हम जो नंबर ऑफ फिगर्स पर पेज दिया है और साथ में नंबर ऑफ पेजेस दिया है, 2 कॉलम उसी के बनाएंगे। तो 2 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में से ही नोट करने हैं, दोनों कॉलम वो आपको हॉरिजॉन्टल टेबल में दिए थे, आपको वर्टिकल टेबल में नोट कर देने हैं। नाउ तीसरा कॉलम हमें क्रिएट करना होता है एफ एक्स का, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई। 150 का 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 750 आ जाएगा। 210 का 6 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1260 आएगा। 224 का 7 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1568 आएगा। 238 का 8 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1904 आएगा। 245 का 9 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2205 आएगा। तो हमारा कॉलम एफ एक्स बन जाएगा। नाउ क्योंकि फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब टोटल होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले एफ एक्स का टोटल करेंगे और फिर एफ का टोटल करेंगे। एफ एक्स का टोटल आएगा 7687, एफ का टोटल 1067। मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो 7687 अपॉन 1067। क्योंकि ये किसी भी टेबल से नहीं कट रहा है तो हमें इसमें डिवाइड ही लगाना होगा। 1067 का इस डेट में डिवाइड लगाइएगा
7.2 आंसर आ जाएगा। सो मीन फिगर पर पेज इक्वल टू 7.20, ये हमारा आंसर होगा। आपके मीन के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपने रजिस्टर में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।